इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 मेंस का मैच नंबर 35 जो कि खेला जाएगा एडिलेड में 1:30 PM में। दोस्तों वीडियो में आप देखो सारे को ही आपको बताएंगे कि भाई विराट को ले लो, सूर्य कुमार यादव को ले लो, भाई शकीब अल को ले लो, हार्दिक को ले लो, बट गाइज ये चार फिर तो भाई देखो सारे सबके टीम में रहेंगे, आपके टीम में भी रहेंगे और गाइज आपके ओपोनेंट के टीम में भी रहेंगे। बट गाइज इनके अलावा जो प्लेयर हमें अपने टीम में लेना है गाइज देखो उसी पर ये मैच पूरा डिपेंड रहेगा। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं जिनको गाइज सिलेक्शन काफ़ी कम रहेगा, बट गाइज आई थिंक आपके लिए वो इस मैच में एक की प्लेयर रहेगा, आपको देखो बहुत बड़ी बड़ी विनिंग करवा के आपको दे सकते हैं। तो गाइज वीडियो में आप बने रहना क्योंकि गाइज देखो वीडियो में ऐसे प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा और दोस्तों मैं आपको पिच रिपोर्ट भी दूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आप देखो अपनी खुद की टीम क्रिएट कर सकते हो और गाइज आप अपनी खुद की अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना और गाइज एक बात और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाइज देखो विनिंग अगर आपको करनी है तो दोस्तों टेलीग्राम का चैनल गाइज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस देखो जो भी स्क्रीनशॉट आती है कोई भी फेक भाई नहीं है, यहाँ पे यार हम लोग आपको टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रिकेट की टीम तो देखो हम लोग यहाँ पे देते ही, उसके साथ साथ आपको कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल सभी स्पोर्ट्स में गाइस आपको विनिंग यहाँ पे लगातार हम लोग करवाते रहते हैं भाई। स्क्रीनशॉट गाइस देखो आपके सामने है, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे किसी भी यहाँ पे गेम का हो, गाइस यहाँ पे विनिंग आपकी रेगुलर होती रहेगी। और अगर आपने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों करके आ रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर यार सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से आप देखो जुड़ सकते हो। और गाइज एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी यार बंदे हैं जो कि कम पैसे में ज़्यादा विनिंग करना चाहते हैं, अगर आपने विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। और भाई जिन्होंने नहीं किया है भाई कर क्या रहे हो, 1 लाख का गिव अवे चल रहा है वहाँ पे, 0 रुपीज़ में आप 1 लाख आप वहाँ पे गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और गाइज विनिंग पे आप वहाँ पे 1 लाख तक वहाँ पे आप जीत सकते हो। उसका भी लिंक गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप सीधा लिंक पे क्लिक करो और सीधा आप विजन 11 ऐप को आप जाके डाउनलोड कर लो। गाइज फटाफट से यार मैं गाइज मैच को रहता हूँ, आप गाइज देखो ज़्यादा यहाँ पे टाइम खराब नहीं करो, ठीक है दोस्तों। बाकी यार एक और बात यार, वीडियो को यहाँ सपोर्ट करना, अगर वीडियो आपको पसंद है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को श्योर यहाँ पे प्रेस कर देना। गाइज यहाँ पे मैच की ओर यहाँ चलते हैं, तो गाइज इंडिया वर्सेज बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर यहाँ पे 35 होगा। डेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे 2 नवंबर को मैच होगा, यानी कि आज के दिन ही। और टाइमिंग की बात कर दें दोस्तों तो यहाँ पे 1:30 PM यानी कि आफ्टर मतलब ऑस्ट्रेलिया में आफ्टरनून ये मैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वेन्यू की बात कर ले तो ये मैच ओवल यानी कि एडिलेड में ये मैच खेला जाने वाला है। गाइज ये तो होगी मैच की डिटेल। बात आती है भाई पिच रिपोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी मैच के लिए। तो भाई देखो पिच रिपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है, गाइज देखो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यह बात आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ पे पहले इनिंग की अगर स्कोर की बात कर लूँ तो भाई देखो यहाँ पे 150 तो भाई बनता ही बनता है, ठीक है। एवरेज स्कोर इनका 150 है यहाँ का, ठीक है। और अगर इंडिया जैसी टीम बैटिंग करे तो आपको 180 या 180 प्लस भी आपको स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे यार पेसर्स यार एक बार फिर से आपको डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। और गाइज इंडिया के बाहर कहीं भी मैच हो जाए, एशिया के बाहर कहीं भी मैच हो दूसरे देशों में, तो गाइज वहाँ पे फास्ट बॉलर भाई चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान ही रखना। बाकी एक और बात ध्यान रखने वाला है, यहाँ पे अगर आप बिग बैश लीग फॉलो करते हो या अगर आप देखते हो तो भाई वहाँ पे दिन में 2 मैचेस होते हैं, एक आफ्टरनून के पहले और एक आफ्टरनून के बाद। तो भाई आफ्टरनून के बाद वाले मैच में यार स्पिनर थोड़ा सा आपको गेम में डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और जो ये वाला मैच भी है इस मैच में भी आपको आफ्टरनून के बाद ही मैच होगा, तो गाइज यहाँ भी थोड़ा मोरा आपको स्पिनर विकेट लेते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज आप सरप्राइज मत होना कि भाई स्पिनर ने विकेट कैसे ले लिया भाई, ठीक है, वो भी यहाँ पे विकेट निकालेंगे। लाइक अगर आपने बिग बैश देखा होगा तो भाई आप देखोगे कि यहाँ पे एडम जाम्पा हो गया, मैक्सवेल हो गया, नेथन लैन हो गया, गाइज ऐसे जो विकेट टेकर स्पिनर है राशिद खान जैसे, गाइज यहाँ पे विकेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो ये भी मैच होगा इसमें शाकिब अल हसन हो गया, या फिर यहाँ पे अगर अक्षर पटेल खेलता है तो अक्षर पटेल हो गया, अश्विन हो गया, जैसे ऐसे प्लेयर आपको विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, हेड टू हेड मैच की बात कर ले तो गाइस देखो टोटल अभी तक इंडिया बांग्लादेश के बीच 11 मैचेस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के खेले गए हैं, जिसमें से 10 मैच इंडिया विन किए और एक मैच यहाँ पे बांग्लादेश विन किया, यानी कि 10:1 का रेशियो, यानी कि आपको ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों, आपको ऑन द पेपर और आपको ऑफ द फील्ड आपको इंडियन टीम आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ये इंडियन टीम की यार प्लेइंग 11 है। देखो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ पे लास्ट मैच में दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ चोटिल हो गए थे, बीच मैच में अगर आपने मैच देखा होगा तो वहाँ पे ऋषभ पंत आया था। तो गाइस आई थिंक अगर फिट नहीं होते हैं तो गाइस यहाँ पे आप ऋषभ पंत को खेलते हो आप देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट मैच में अक्षर पटेल के जगह पे रिप्लेसमेंट करके दीपक हुड्डा को लाया गया था। तो गाइस आई थिंक इस मैच में आपको अक्षर पटेल भी खेलता हुआ दिख सकता है। तो गाइस ये सारी बातें इसलिए मैं बोलता हूँ भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलना, क्योंकि गाइस ये सब बातें आपको टॉस के बाद ही कंफर्म होगी और टॉस के बाद ही हम लोग अपनी सारी टीमें सारी अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। ठीक है दोस्तों, बाकी बॉलर की रोल की बात कर लूँ तो गाइस यहाँ पे इंडियन टीम के पास 4 पेसर हैं, मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और यहाँ पे हार्दिक पांड्या, जिसमें से रोल की बात कर लूँ तो भूवी और यहाँ पे अर्शदीप सिंह आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुआ दिखेगा, और देन यहाँ पे हार्दिक पांड्या और इनके साथ 2 स्पिनर आपको बीच के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और देन यहाँ पे मोहम्मद शमी का 1 ओवर पावर प्ले में, बाकी 3 ओवर आपको डेथ के ओवर में देखने को मिलेगा। तो गाइस ये है बॉलिंग के रोल, बाकी बैट्समैन यहाँ पे सारे अपने पोजीशन पे खेलते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ पे कर लेते हैं बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो गाइस यहाँ पे सेंट और सौम्य सरकार ओपनिंग करने आएंगे, नंबर 3 पे एक्सपीरियंस बैट्समैन लिटोन दास और नंबर 4 पे शाकिब अल हसन। तो गाइस ये तो जो नंबर है ना, जो ऊपर के 3 बैट्समैन है ना भाई, ये गाइस काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, इनके अलावा भाई कोई एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे प्लेयर नहीं है सिवाय एक बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को छोड़कर। तो गाइस इनके ये 3 प्लेयर मेन है, तो इन तीनों को आपको अपनी टीम में रख के चलना है, और गाइस ये तीनों अपनी विकेट संभाल के खेलेंगे भाई इंडिया के खिलाफ, ये तीनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है भाई। ठीक है, देन उसके बाद नंबर 5 पे अभी हुसैन, नंबर 6 पे यासिर अली चौधरी, नूरुल हसन, मोसिद्दीक हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और यहाँ पे हसन मोहम्मद। अब गाइस इनकी बॉलिंग की रोल की बात कर लूँ तो गाइस इनके पास 3 पेसर्स हैं, तस्कीन अहमद हो गया, मुस्तफिजुर रहमान हो गया और यहाँ पे हसन मोहम्मद हो गया, इनके 3 मेन है। और गाइस जो इंडिया के खिलाफ जो काफ़ी तंग करता है वो है यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान, हालांकि गाइस इस श्रृंखला में अभी तक के सबसे बड़े विकेट टेकर इनके तस्कीन अहमद है, जो कि बांग्लादेश की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक इन्होंने लिया है। बाकी गाइस आप सरप्राइज मत होना कि मुस्तफिजुर रहमान इंडिया के सामने इतना बड़ा परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है भाई। गाइस यहाँ पे ये एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है और गाइस इन्होंने पहले भी इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस कर रखा है, गाइज ये आईपीएल भी खेलता है, तो गाइज इनको वहाँ पे अनुभव भी है कि किस प्लेयर के खिलाफ कैसे बॉलिंग करनी है। ठीक है गाइज, तो ये इनकी प्लेइंग 11 है। बाकी यार यहाँ पे आपके लिए 3 प्लेयर तो गाइज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में। ठीक है दोस्तों, बाकी अब बात आती है हमारी स्मॉल लीग टीम की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से टीम क्रिएट करनी। तो दोस्तों अभी के लिए विकेट कीपर है, मैं यहाँ पे लिटोन दास को ले रहा हूँ, बैटिंग में कोहली, यादव और यहाँ पे लोकेश राहुल, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा था सौम्य सरकार मेन इनके प्लेयर है, तो इनको देखो अभी के लिए मैं अपनी टीम में लूँगा। अगर आपको सेफ यहाँ पे जाना है तो सौम्य सरकार की जगह यहाँ पे आप सेंटो को ले लेना, सिंपल यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका कॉल रहेगा भाई। बाकी अगर आप मेरी टीम से यहाँ पे खेलोगे तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट मेरी टीम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे ऑलराउंडर की बात कर लूँ तो शाकिब अल हसन, हार्दिक पांड्या नो डाउट यहाँ पे दोनों बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे, तो गाइज इनको तो यार लेना बनता है। ठीक है, बॉलिंग की बात कर लूँ तो गाइज यहाँ पे देखो यार यहाँ पे क्या, यहाँ पे यार टॉस का बहुत बड़ा यहाँ पे लफड़ा रहेगा। ठीक है भाई, देखो जो भी अभी तक रिकॉर्ड कहती है पिच पे, जो भी यार फर्स्ट बैटिंग करता है ना उनके यहाँ पे विनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो गाइस आई थिंक अगर जो भी टीम पहले टॉस विन करेगी और अगर वो बॉलिंग करती है तो भाई उनके आप 2 बॉलर को ले लो। आई थिंक अगर मान लो बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है तो आप इनके 2 बॉलर तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को ले लो, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है फिर आप इनके ऊपर के 3 बॉलर को ले लो भाई, हर्षदीप सिंह, भुवी और यहाँ पे मोहम्मद शमी को ले लो, और फिर आप बांग्लादेश के यहाँ पे 1 बॉलर लाइक मुस्तफिजुर रहमान को ले सकते हो। तो गाइज ये है, टॉस के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहेगा, तो आप गाइज देखो टॉस का वेट करना, गाइज मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आपको कब कौन सा ऑप्शन चूज करना, और अगर आई थिंक बाई चांस अगर मान लो यहाँ पे अगर बांग्लादेश टॉस विन कर ली तो यहाँ पे आपको मुस्तफिजुर रहमान लेना है, तस्कीन अहमद लेना है, और फिर यहाँ पे इंडियन टीम के आप 2 ही प्लेयर ले पाओगे, तो 1 प्लेयर हो गया आपका
हर्षदीप सिंह और दूसरा प्लेयर हो गया यहाँ पे मोहम्मद शमी, ठीक है। और यहाँ पे आपको भूवी को ड्रॉप कर देना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यार देखो भूवी अगर बॉलिंग करने आएगा पावर प्ले में तो गाइस यहाँ पे क्या पता सोम्य सरकार और लिटोन दास दोनों का यार विकेट ले ले, तो आई थिंक ऐसा नहीं होगा, ये दोनों प्लेयर बचा के खेलेंगे और आई थिंक बड़ा स्कोर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक भूवी को ड्रॉप करना बनता है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यार देखो तीन चार चॉइस है, पहला हो गया शाकिब अल हसन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली इनफॉर्म बैट्समैन, ठीक है, दोनों इनफॉर्म है इंडिया की ओर से। तो गाइस अभी तक के यार जो मैं जैसा बोलूंगा गाइस कप्तान हार्दिक पांड्या सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा, और अगर इंडियन टीम चेंज करती है तो भाई विराट कोहली आंख बंद करके आप वाइस कप्तान कर दो, बाकी अभी के लिए अगर यहाँ पे इंडियन टीम चेंज नहीं करती है तो आप यहाँ पे शाकिब अल हसन के साथ भी आप देखो जा सकते हो, बाकी अभी मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ कि यहाँ पे इंडियन टीम यहाँ पे रन को चेज करेगी, तो आई थिंक मेरा यहाँ पे वाइस कप्तान विराट कोहली और कैप्टन मेरा यहाँ पे हार्दिक पांड्या रहेगा। और गाइस मैं इस टीम से मैं हेड टू हेड 3 मेंबर और एटलीस्ट 4 मेंबर तक के लिए तो देखो आराम से ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे टीम को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बात यहाँ पे कर लेते हैं यार जीएल की, तो गाइस देखो जीएल में मैं सबसे पहला प्लेयर हो गया यहाँ पे लोकेश राहुल, गाइस देखो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ये प्लेयर चलने वाला है, और कल एडिलेड का जो पिच है वो गाइस देखो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और आई थिंक मेरे हिसाब से इनको कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो आई थिंक ये कल बड़ा स्कोर करेगा। इनके साथ साथ सौम्य सरकार हो गया जो कि यार बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, बट आई थिंक ये आपको बैटिंग से ही पॉइंट करके देगा, ठीक है। देन यहाँ पे तीसरा प्लेयर हो गया वो है यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान, गाइज ये 3 प्लेयर है ना भाई, ये गाइज आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे बड़े सिलेक्शन रहेंगे, ठीक है। इनके अलावा गाइज आपको तो बाकी सब प्लेयर को लेने ही है, बाकी जो मेन प्लेयर आपको जो चॉइस है वो देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, लोकेश राहुल, सौम्य सरकार और मुस्तफिजुर रहमान, बाकी अपने हिसाब से आप देखो स्योर ट्राई करना, स्पिनर को स्योर ट्राई करना, अगर मान लो लाइक अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो मिनी जेल खेल रहे हो तो गाइस अगर इंडिया के कोई स्पिनर है लाइक अश्विन हो गया या अक्षर पटेल हो गया तो उनको अपने टीम में एक दो टीम में तो श्योर लेना भाई, ठीक है। बाकी यार फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और अगर आपने अभी तक विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों उसको भी डाउनलोड यार कर लो, क्योंकि वहाँ पर गिव वे और आप वहाँ पर गिव वे से आप देखो अच्छी खासी अर्निंग कर लो, ठीक है दोस्तों। बाकी यार आई होप यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे यार, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो लाइक कबड्डी की वीडियो होती है वो देखो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी और आप देखो फट से आप वीडियो को वॉच कर लोगे, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, अभी के लिए बेस्ट प्लेयर।